नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिसका नाम TFI है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी के बीच गृह मंत्री अमित शाह पूछ चुके हैं। अमित शाह ने गुरुवार को एक हाई लेवल मीटिंग की बैठक जो है वो कर डाली। बताया जा रहा है इस बैठक में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े परिसरों में की जा रही छापेमारी और आतंकवाद के संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई पर जो है वो चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि अमित शाह के साथ इस हाई लेवल मीटिंग में कौन मौजूद था जिसको भारत का दिमाग कहा जाता है। इस बैठक में मौजूद थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला भी इस बैठक में मौजूद थे और इनके साथ साथ कई शीर्ष अधिकारी भी इस बैठक में शामिल रहे। एक अधिकारी के मुताबिक समझा जाता है कि अमित शाह ने आतंकवाद के संदिग्धों और PFI के कार्यकर्ताओं के खिलाफ देश भर में जो अब तक की सबसे जबरदस्त कार्रवाई PFI के खिलाफ हुई है उसका जायजा लिया। बता दें कि NIA की अगुवाई में कई एजेंसियों ने गुरुवार को सुबह 12 बजे से छापेमारी वो चालू की और देश में आतंकवाद के वित्त पोषण में कथित तौर पर शामिल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के 106 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर डाला। 10 20 50 नहीं, 106। तो इसीलिए अब तक की सबसे जबरदस्त कार्रवाई ये कही जा रही है। NIA ने इसे अब तक का सबसे बड़ा जांच अभियान खुद करार दे दिया है दोस्तों। तो सोचिए, PFI के दिन अब लद गए। PFI से जुड़े लोगों पर टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में ED और NIA ने राज्य पुलिस बलों की टीम के साथ UP, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत 12 राज्यों में छापेमारी कर दी दोस्तों। ये छापेमारी आतंकी गतिविधियों के संचालन, प्रशिक्षण शिविर चलाने और प्रतिबंधित संगठनों में शामिल होने के लिए लोगों को कट्टरपंथी बनाने में शामिल व्यक्तियों के आवासीय और आधिकारिक परिसरों में की गई। तो क्या आपको लगता है कि PFI पर ये जो कार्रवाई हो रही है ये उचित है या अनुचित है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये कोई छोटा मोटा संगठन नहीं, ये PFI संगठन है और इसी वजह से NIA और ED की जो है टीमें इस पर बार बार इसको खोपचे में, कब्जे में लेकर इनकी गिरेवान तक अब पहुंच चुकी हैं दोस्तों। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। मैं आपके साथ था ध्रुव शर्मा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।